नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। गोगोई ने बताया अमित शाह से है उनकी जान को खतरा, सलाखों के पीछे रखने की साजिश रची जा रही है अमित शाह के द्वारा। बड़ी खबर है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, पूरी खबर जानिए क्या कुछ है मामला। आपको दोस्तों बताते चले, असम में पैरोल पर रिहा हुए अखिल गोगोई ने कहा कि अमित शाह और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। असम में निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई लगातार बीजेपी को खटक रहे हैं। उनकी रिहाई के बाद से ही बीजेपी सरकार उन्हें दोबारा जेल भेजने की साजिश को अंजाम देने में लगी है। गोगोई को दिसंबर 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों में गिरफ्तार किया गया था। गोगोई ने कहा कि सीएम बिस्व शर्मा लगातार उन्हें दोबारा जेल भिजवाने के लिए NIA पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। असम बीजेपी सरकार ने गोगोई को प्रतिबंधित CPI माओवादी के कार्यकर्ता होने के आरोप में गोगोई के खिलाफ NIA द्वारा राजद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज करवाया था। असम बीजेपी सरकार ने गोगोई को जिस प्रकार जेल के अंदर भिजवाया, गोगोई ने कहा कि एक दिन आएगा अमित शाह भी सलाखों के पीछे होंगे, उन पर भी UAPA का केस दर्ज करवाया जाएगा। अखिल गोगोई ने कहा कि शाह ने उनके खिलाफ साजिश करके उन्हें सलाखों के पीछे जिस प्रकार पहुंचाया था, उसी प्रकार बीजेपी के केंद्र की सत्ता से हटने के बाद वही सब कुछ अमित शाह के साथ भी किया जाएगा। इनके खिलाफ भी राजद्रोह UAPA के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इन्हें भी वही सब कुछ देखना पड़ेगा जो मुझे सलाखों के पीछे देखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अच्छा समय बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बीजेपी के जल्द ही बुरे दिन शुरू होंगे। मालूम हो कि हाल ही में अखिल गोगोई को UAPA के तहत दर्ज दो मामलों में से एक मामले में आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अखिल गोगोई ने जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह साथ ही सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को लिया है निशाने पर। क्या दोस्तों आप लोग अखिल गोगोई की बात का समर्थन करते हैं, हाँ या ना में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत